आईपीएल 2019 की शुरुआत में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन आईपीएल का शेड्यूल अभी भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है आईपीएल फैंस के लिए। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वो दो बड़ी अपडेट जो आज मतलब 26 जनवरी को आईपीएल के शेड्यूल को लेकर निकल कर आ रही है। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं सवाल भी पूछने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन और जल्दी से जल्दी आईपीएल के शेड्यूल को चाहते हैं तो फटाफट सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, लाइक के बटन को फटाफट हिट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जो आईपीएल 2019 के शेड्यूल को लेकर निकल कर आ रही है वो डेट्स को लेकर ही निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों अभी तक हमने यही देखा था कि 23 मार्च को आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन शेड्यूल कब आएगा उसकी डेट्स भी अब साफ होने लगी है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में जो इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका शेड्यूल आ सकता है। और जो आईपीएल का शेड्यूल है वो लोकसभा चुनाव के शेड्यूल के बाद ही आने वाला है, क्योंकि कैरवन फॉर्मेट के जरिए उसी आधार पर मैचेस को जो है वो होस्ट किया जाएगा, वेन्यूइज्ड किया जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मार्च के पहले हफ्ते में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का शेड्यूल आ सकता है, तो उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में ही या दूसरे हफ्ते में आईपीएल का शेड्यूल आ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि फरवरी में ही शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन फरवरी में जो शेड्यूल आएगा वो फाइनल शेड्यूल नहीं होगा। फाइनल शेड्यूल तो भाई लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि आप पहले कोई भी शेड्यूल निकाल दे आपको चेंज उसमें करना ही पड़ेगा आफ्टर द रिलीज ऑफ द लोकसभा चुनाव डेट। तो भाई ये पहली अपडेट है कि मार्च का पहला हफ्ता जो है वो हो सकता है आईपीएल शेड्यूल की डेट्स के लिए। दूसरी अपडेट दोस्तों जो निकल कर आ रही है आईपीएल शेड्यूल को लेकर, वो निकल कर आ रही है कैरवन फॉर्मेट के जरिए। दरअसल दोस्तों आपको पता ही होगा कि कैरवन फॉर्मेट के जरिए मैच होंगे, मतलब जहां पर पहले चुनाव हो जाएगा तब तक वहां पर मैच नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव वहां से चला जाएगा, मतलब मान लीजिए मोहाली में 22 तारीख को चुनाव खत्म हो जाता है तो 23 तारीख को वहां पर मैच होगा। इस तरह से बीसीसीआई ने जो है वो प्लान किया था, लेकिन ये प्लान खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि एक वेन्यू को तैयार करने के लिए 7 दिन पहले से पुलिस फोर्स की जरूरत होती है, वहां पर पुलिस फोर्स अपॉइंट करना पड़ता है। वेन्यूज की सुरक्षा कोई एक दिन में नहीं होती, उसको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो बीसीसीआई को अब बहुत लंबा चौड़ा प्लान सोचना पड़ेगा और हर स्टेट पुलिस से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि 22 तारीख को अगर किसी जगह पर चुनाव होता है, मान लीजिए मोहाली में ही हो जाता है, तो 23 तारीख को कोई भी अपनी फोर्सेस आपके मैदान में नहीं भेजने वाला है, उसको समय चाहिए होगा वो पूरी फोर्सेस को भी, कि उसको एक हफ्ते 5 दिन का समय हो ताकि वो फिर से रिहैब कर आ सके। फोर्सेस भी इंसान होते हैं, पुलिस भी इंसान होते हैं, वो कोई रोबोट्स नहीं होते हैं। तो बीसीसीआई को अब यहां पर एक बड़ा कुछ सोचना पड़ सकता है और रिजर्व फोर्सेस की तरफ ध्यान लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो थी दो बड़ी अपडेट जो अभी निकल कर आ रही है आईपीएल के शेड्यूल को लेकर, और अब आगे चलते हैं आज के सवाल के लिए। तो आज का सवाल दोस्तों ये है कि सीएसके की टीम हर बार आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करती है, आज मैं आपसे पूछता हूं वो 3 बड़े रीजंस जिसके चलते हर बार सीएसके प्लेऑफ तक जाती है, हर बार वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो फटाफट 3 रीजंस बताएंगे, जो रीजंस सबसे बेस्ट होंगे, सबसे अप्रोप्रिएट होंगे, उसे मैं पिन करने वाला हूं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।